हैवल H6। बगैर बताए ये जो लोग डिनर अरेंज करते हैं ना, वो इस तरह का होता है। अभी इसमें कुछ हमारे खाने के लिए नहीं है। यहाँ पे आप टनल देखें कितने खूबसूरत हैं। तो ये सिटी भाई अपनी मिसाल आप है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे ये डील कर रहे हैं गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स को। काफ़ी बड़ा इन्होंने स्टोर बनाया हुआ है। ये है इनका ऑफिस। ये सुलेमान है, दोनों भी सुलेमान जैसे लग रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम हैं चोंगचिंग में और ये चोंगचिंग में हमारा दूसरा दिन है। तो आज के दिन हमारी काफ़ी सारी मीटिंग्स हैं, 3 से 4 हमारी हैं मीटिंग्स। तो हम वहाँ जाएंगे, आपको दिखाएंगे गाड़ियाँ न्यू और पुरानी, बहुत मज़े की वीडियो होने वाली है। तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें। आज हम आपको काफ़ी सारे चाइनीज़ के साथ मीटिंग्स, वहाँ पे कुछ खाने, एक फैमिली ने हमें इनवाइट किया हुआ है, उनके ट्विन्स बच्चे हैं बहुत प्यारे, वो हम आपको दिखाएंगे और बहुत मज़े का दिन होने वाला है इंशाल्लाह। तो आपने वीडियो देखनी है कंप्लीट और चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती रहती है चैनल में बिज़नेस से रिलेटेड। तो अभी हम होटल से चेकआउट करने लगे हैं। तो नीचे एक लेडीज़ आई हुई हैं जो कि फैक्ट्री में मैनेजर हैं, उनके साथ हम चलते हैं और उनकी फैक्ट्री विज़िट करते हैं। उसके बाद फर्दर ऑन बहुत सारी फैक्ट्रीज विज़िट करनी है, तो बहुत इंशाल्लाह ज़बरदस्त व्लॉग होने वाला है। तो आपने वीडियो देखनी है कंप्लीट। आज हमें ये लेने आई हुई है फ्लोरा, तो फ्लोरा से हम मिलते हैं। हाय फ्लोरा, हेलो। इन्होंने मुझे पिक कर लिया, अब हम जा रहे हैं इनकी फैक्ट्री और वहाँ पर जाकर गाड़ियाँ देखते हैं। और इनके पास भी सारी न्यू गाड़ियाँ हैं जिनके साथ मीटिंग वगैरह करनी है। उसके बाद एक और हैं चांग साहब, जो कॉन्टेक्ट में है, मुसलसल पूछ रहे हैं कहाँ पर हैं, उनको हम लोकेशन भेजेंगे और वो हमें आकर पिक कर लेंगे। और उसके बाद लास्ट होगा, उससे मिलना होगा इंशाल्लाह, शाम हमारी होगी वापसी। हम आ गए इनके ऑफिस में। तो यहाँ पे ये डील कर रहे हैं गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स को। काफ़ी बड़ा इन्होंने स्टोर बनाया हुआ है। ये है इनका ऑफिस, हम आपको विज़िट करवाते हैं स्पेयर पार्ट्स स्टोर भी। ये है इनका स्पेयर पार्ट्स स्टोर, यहाँ पर गाड़ियों का सारा सामान मौजूद है, ये देख सकते हैं। और इस पर हम एक मज़ीद अलग से व्लॉग भी बनाना चाहें। ये इनका है जी स्टोर, ये काफ़ी बड़ा है। और इसी तरह ऊपर भी है गाड़ियों का तमाम वैरायटी और तमाम मॉडल्स का यहाँ पे स्पेयर पार्ट मिल रहा था। वो हैप है। ये दोनों हमें सी ऑफ करके जा रहे हैं और ये दूसरी गाड़ी आ गई हमें लेने। ओके शीशा, हेलो, निहा, ओके ओके।你你是过来看配件吗？我这边过来看配件。哦，看过来看配件。对，那个 Rashid。Rashid。他在那边是做做自己的汽车经销吗？发给一个 office 里，और ये आपको visit करवाते हैं। Hello, John. Hello. अनी द कूस इज द मिंग से शमाना। तिंजी। ओके, हमने अभी मीटिंग की है तो कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, नी जाए शो। ताजांग से ना एक को ज्यादा। यमन। यमन साइड पे बाढ़ की वजह से ये दिन हमारे जो शिपमेंट के दिन हैं शंघाई टू दुबई ये बाढ़ सकते हैं। मीटिंग एंड करने के बाद मिस्टर चांग और मैं आ गए हैं यहाँ पे इनका स्टोर विज़िट करने। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी गाड़ी है और क्या सीन है। साथ साथ आपको चोंगचिंग सिटी दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखें हर तरफ बड़ा ज़बरदस्त और मौसम बड़ा अच्छा है यहाँ पे। इस वक्त टाइम है तकरीबन 3 बज रहे हैं और थोड़े बादल भी हैं। दिस इज चोंगचिंग। स्टोर विज़िट करने से पहले हम खाना खा लेते हैं, क्योंकि 3:30 का टाइम हो चुका है और अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया। कुछ ब्रेड वगैरह खाया था और उससे कोई काम नहीं बना, तो पहले खाते हैं मुस्लिम रेस्टोरेंट, हमने ढूंढ लिया खाना और उसके बाद जाएंगे स्टोर। तो ये है जी ये कावर
Marker, have you seen? What is this? Okay. For the menu and the okay, okay. Order. Okay, 你跟我一起吃。我吃不了多少，我中午吃了饭的。啊，这个菜是很好吃，可以一起吃。可以吃一点点。OK。也喜欢拍照吗？喜欢，当然每天那个旅游旅行都喜欢。可以。拍照，因为 wife 啊这边，और खाना भी आ गया है हमारा, तो अभी हम खाना खाते हैं. Finally, हम गाड़ियों के स्टोर पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे है सारी हैवल और हैवल आजकल चाइना में बहुत चल रही है, आपको दिखाते हैं. तो ये देखें जी, हैवल PHEV. यहाँ पे लड़की लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है गाड़ियों की. ये देखें, दो फोन पे लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है और फोन पे उनकी प्राइसेस और बाकी डिटेल्स बता रही है. ये है जी, काऊ का मतलब होता है डॉग, तो बड़ा कुत्ता. तो ये है जी हैवल, और हैवल की एक इस तरफ जीप टाइप है, वो आपको दिखा. They are all manufacturing luxuries for luxuries. EV dog. EV dog. ये है जी EV dog. This is to be a hybrid. Hybrid not EV, but pure okay. Electric. और ये है ऑफिस. इसके साथ हमने काफ़ी सारी मगजमारी की है, तो अब कुछ बात बनने को आई है. तो अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं और आगे जाते हैं, देखते हैं. और आपने वीडियो देखनी है कंप्लीट, आपको हमने अभी बहुत कुछ दिखाना है. अभी हमें दूसरी लेडी लेने आ गई हैं, तो हम चलते हैं इनके साथ. बैग हम रखते हैं पीछे के. हाय, तो हम इसके साथ चलते हैं ऑफिस. कहती है बंद है, वैसे भी सैटरडे है, तो पता नहीं अब कहाँ लेके जा रही है. ओके, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बगैर बताए ये जो लोग डिनर अरेंज करते हैं ना, वो इस तरह का होता है. अभी इसमें कुछ हमारे खाने के लिए नहीं है, तो देखते हैं क्या बनता है. ये हमें लेके आई है और ये साथ दो ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं. तो खाना आ चुका है, अब हमारे खाने वाला इसमें कुछ नहीं है. खाना खाने के बाद ये हमें छोड़ने जा रहे हैं उस बॉस के पास जिसके साथ हम थे रात को, जो गाड़ी हमारी लगी थी. तो उसका घर सिटी से काफ़ी दूर है, तो ये तकरीबन 35-40 किलोमीटर का डिस्टेंस था. तो इन्होंने बड़े शौक से कहा कि हम आपको छोड़ आते हैं, तो अभी हम जा रहे हैं. ये बॉस गाड़ी चला रही हैं. ये है जी चोंगचिंग, और यहाँ पे आप टनल देखें कितने खूबसूरत हैं. तो ये सिटी भाई अपनी मिसाल आप है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त है. सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ. चोंगचिंग की नाइट ब्यूटी, इस तरफ सारी बिल्डिंग्स एक तरह की हैं. ये आगे कुछ है, मैं आपको दिखाता हूँ. ये ICBC बैंक की जैसे बिल्डिंग है ना, ये देखिए. तो सारी पीछे इस तरह की थी, ज़रा दूर थी तो हम नहीं दिखा सके. व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी यार. सुसनिहा, ओह ये है भाई सुलेमान. ये सुलेमान, दोनों भी सुलेमान जैसे लग रहे हैं. ये है इनका डैड और ये है इनकी मदर. सुसनिहा, हेलो हेलो. ये है चाइनीज का घर, चाइनीज भाई फुल एडवांस हो चुके हैं. गाड़ी में बैठते हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ ज़बान से बोलते हैं. गाड़ी रास्ता भी बताती है, लाइटें भी ऑन करती है, सारा कुछ. और अभी हम घर में हैं, तो इसने LCD को बोला है, खुद ही चल गई है, खुद ही जो बोल रहा है चैनल चेंज किए जा रही है. पता नहीं, काफ़ी एडवांस रहा हुआ है, घर बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है. बॉस का घर विज़िट करने के बाद हमने कोई 2 घंटे से ज़्यादा डिबेट की, तो मेरे से इस्लाम की बातें करना कर रहा था और मुस्लिम वर्ल्ड के जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस होते रहे. तो काफ़ी कोशिश की अल्लाह पाक कबूल करे. और वो पहले भी माशाल्लाह बहुत क्यूरियस है, अब वो इस्लाम तो बता रहा था कि मैंने कुरान पाक को
के काफ़ी सारे उसने चैप्टर्स पढ़े हैं और इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ। मैंने पूछा कि चाइनीज़ में क्यों नहीं पढ़ा, तो बता रहा था कि मुझे लगता है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो मोर एक्यूरेट है। तो बहुत ज़्यादा उसे इस्लाम के बारे में खुद पता था, बाकी हमने ट्राई किया। तो अभी हम आ गए हैं रूम होटल, तो ये हम करते हैं जी अपना रूम ओपन। नाइट है, लेट नाइट है, बाहर कभी नज़र नहीं आ रहा। ये है जी रूम, टीवी ऑन हो गया है, ये हमने बैग रख दिया।